सालों से खबर लहरिया से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आज मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। खबर न्यूज लेटर बन करके पब्लिश हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बातें मेरी डायरी के पन्नों तक कैद हैं। अपनी डायरी के पन्ने खोलने और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रही हूँ एक नया शो लेकर, चीफ रिपोर्टर की डायरी से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीरा। मेरे शो चीफ रिपोर्टर की डायरी से की 34वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज तक मैंने अनगिनत खबरों का कवरेज किया है और उनकी सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। तो आज मैं बताऊंगी कि जब किसी कारणवश किसी की भी मौत हो जाती है, उस माहौल को, उस मंजर को कवरेज करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अंदर से कितनी आत्मग्लानि महसूस होती है। तो बात 2016 की है। बांदा के बड़ोखर बुजुर्ग गांव निवासी रतिराम कैंसर पीड़ित था। उसके इलाज में परिवार वालों ने घर गृहस्थी मकान खेत सब कुछ बेच दिया, इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हुआ और अंत में वो मर गया। बेटे की सोच में कुछ ही दिन में उसके माँ बाप गुजर गए। रतिराम अपने पीछे 3 बेटों का भार अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ गया। इसके पहले मैंने गोपरा गांव में टीबी की बीमारी से मरते लोगों को लगातार देखा है और रोज के होने वाले एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट की मैं बात करूं कि एक साइकिल सवार ट्रक के नीचे आ गया और वह पूरी तरह से पिस गया। उसके मांस के टुकड़े 100 मीटर की दूरी में सड़क में बिखरे पड़े हुए थे। इसी तरह से हर रोज अलग अलग कारणों से प्रताड़ित होने वाली महिलाएं रोज मरती हैं। इन सब माहौल को देख करके, उसको कवरेज करके मेरा मन बहुत दुखित होता है। लोगों के परिवार वालों को रोते बिलखते मैं देख नहीं पाती हूँ। कवरेज करने के लिए बहुत हिम्मत जुटा पाती हूँ। और क्या ये माहौल कभी बदलेगा? मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत रोता है। और अगर अपने को अकेले पा गई तो मैं रो भी लेती हूँ जी भर के, लेकिन ये हमेशा डर बना रहता है कि कोई मुझे देख न ले रोते हुए, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और अगर मैं रोई तो इसका मतलब ये है कि मैं कमजोर हूँ। मैं ऐसे माहौल को कैसे कवर कर सकती हूँ? ये सवाल हमेशा मन में उठता रहता है। और अगर उसमें घटना स्थल की बात करूं, वहां पर जिस तरह से लोग चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, और वो सारा मंजर जो होता है उसको देख करके दिल गवाही नहीं देता है कि मैं किस तरह से उनसे बातचीत करूं, उनके सामने कैमरा लाऊं। 10 बार ही मुझे सोचना पड़ता है इसके बारे में। अब बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। अंदर से मेरा मन अगर कहे तो मैं इसको उस स्थिति में कभी ना करूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी एक पत्रकार हूं। दूसरी बात, बहुत सारी मीडिया को मैंने उस स्थिति में कवरेज करते देखा है। लोग जाते हैं, आईडी लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं और एक सवाल को 10 बारी पूछते हैं, कुरेद कुरेद कर उनके घाव को ताजा करते हैं। मेरे हिसाब से मानवता के नाते ये सब नहीं करना चाहिए। इस माहौल को कवरेज करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। तो क्या पत्रकार एक इंसान नहीं? क्या उसके अंदर भावनाएं नहीं होती? क्या मैं एक कमजोर पत्रकार हूँ? मुझे अपनी आदतें सुधारने की जरूरत है और एक प्रोफेशनल पत्रकार होने की भी जरूरत है। तो इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं फिर आऊंगी एक नए मुद्दे को लेकर के, जो मेरी डायरी के पन्ने से निकलने के लिए तैयार है।